हाँ जी, अभी बज रहा है 4। और इतना लेट क्यों? क्योंकि आज सुबह मेरा वाइवा था और वाइवा के जस्ट बाद मुझे नहाने जाना पड़ा और फिर तब से ठंड लग रही थी तो ऊपर आने का मन नहीं हुआ। पर आज घर पे शॉट निकालने का मन नहीं था क्योंकि रोज़ वहीं का देखते हो। अब मैं हूँ फाइनली छत पे और आज के लिए जब मैं सोच रहा था क्या करूँ तो मेरे दिमाग में आया मैं क्या करना चाहता हूँ। सो बिफोर दिस लॉकडाउन हैपेंड मैं सुबह 4 बजे उठता था। 4 बजे से लेकर 6 बजे तक मैं लगातार वर्कआउट करता था, ब्रश करता था, मतलब अपने आप को रेडी कर लेता था और 6-6:30 के बीच में मैं ब्रेकफास्ट करके घर से निकल जाता था फॉर कॉलेज। और 8 बजे मेरी पहली क्लास होती थी, 7:30 अराउंड कॉलेज पहुँच के या 7:45 पे कॉलेज पहुँच जाता था। 8 बजे क्लासेस अटेंड करता था और मेरा दिन ऐसा रहता था। आई वॉज सो हैप्पी व्हेन आई यूज्ड टू गेट अप एट 4। मैं चाहता हूँ मैं वो वापस से करूँ, पर अब सुबह करूँगा क्या? सो जब मैं सोच रहा था तो मैंने सोचा कि कितनी बढ़िया फ़ोटोज आती जब लोग सुबह सुबह जाके इंडिया गेट पे या फिर अक्षरधाम के सामने फ़ोटोज़ खिंचवाते हैं वाइल डूइंग साइकिलिंग। तो मैं सोच रहा था क्यों ना साइकिलिंग स्टार्ट करें। बट साइकिलिंग के लिए 2 रिक्वायरमेंट्स होती हैं, एक साइकिल और दूसरा कोई साथी। मेरे पास एक तो है पर वो भी इतनी अच्छी हालत में नहीं, और साथी तो मिलने से रहा, तो क्या करा जाए यही सोच रहा था। बट नंदलेस साइकिल को तो पहले ठीक कर ही लिया जाए, तो आज मैं सोच रहा था चलो खुद ही साइकिल रिपेयर करते हैं। मैं जा सकता हूँ बाहर भी, पर आप लोगों को पता है मैं साइकिल क्यों रिपेयर कर रहा हूँ, कॉन्टेंट। काफ़ी देर लगाने के बाद व्हाट आई रियलाइज इज, एक तो इस साइकिल का टायर बुरी तरह पंचर है, दूसरी चीज़ इस साइकिल के अंदर ब्रेक्स बिल्कुल ढीले हैं, तीसरी चीज़ गियर्स नहीं चल रहे हैं। तो ऐसी हालत में तो इसे हाईवे पे लेके जाया नहीं जा सकता, मतलब किसी भी रोड पे। तो ऐसी हालत में तो इसको किसी रोड पे नहीं उतारा जा सकता, बट आज भी ये सही नहीं हो सकती बिकॉज इट्स 6 ऑलरेडी और 6 बजे के अराउंड जितने भी साइकिल ठीक करने वाले होते हैं वो जा चुके होते हैं। अदर देन दैट मुझे एक मोबाइल के लिए स्टैंड भी चाहिए होगा साइकिल का, दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। तो आज तो साइकिल नहीं हो पाएगी। अब जब नीचे आ ही गए थे तो वर्कआउट भी कर ही लेते हैं। अब मैं अपना खाना खाऊंगा, बट उससे पहले मैं बता दूं आज का व्लॉग थोड़ा छोटा था और उसके पीछे एक रीजन है कि जो कल का व्लॉग है वो सुबह 4 बजे शूट होना शुरू होगा। शायद 4 बजे मैं उठना चाहता हूं तो मैं आज जल्दी सोऊंगा, इसके लिए मुझे जल्दी एडिटिंग पे लगना पड़ेगा, इसलिए आज का व्लॉग अभी खत्म होगा। वरना मैं रात में घर वालों के लिए खाना भी बनाने वाला था, बट दैट विल बी मिस्ड। किसी और दिन फिर से बनाऊंगा, मैं बनाता रहता हूं कभी कभी, तो फिर आपको व्लॉग में दिखेगा। बट आज के लिए इतना ही था। ओवन जूस
देखते कितने लोगों को समझ आता है किस चीज का रेफरेंस था, बट हुएवर गेट्स इट प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन. व्हाई इज इट व्हेनेवर यू स्टार्ट डाइटिंग आपके घर वाले कुछ ना कुछ ले आते हैं बाहर से,